राधे राधे, कैसी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए इस तरह का ये बहुत ही खूबसूरत हैवी वर्क जड़ाऊ जरदोजी वर्क का ये मुकुट बनाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी से हम सॉरी बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमसे कई बार बहुत टाइम से ये मुकुट बनाने के लिए कहा था, लेकिन हम बना नहीं पाए, और ख़ासकर मनोज भैया ने। लेकिन इस अब हमने आपके सबके लिए ये मुकुट बनाया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। और इस मुकुट में हमने सिर्फ स्टोन जरकन की चेन का यूज़ किया है, और स्टोन का यूज़ किया है। जन्माष्टमी आ रही है, और हम सभी अपने कान्हा जी को अपने हाथों से ये भारी काम की ज्वेलरी मुकुट बनाकर पहना पाएँ, इसलिए हमने ये स्टोन हैवी वर्क का ये मुकुट बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमने स्टोन लगा लिए हैं, हमने यहाँ पर भी स्टोन लगा दिए, ये पूरा बूटा एक बना दिया स्टोन का, और एक एक यहाँ पर गैपिंग में लगा दिए हैं। ठीक है, अब हम इस पर डबका स्पायल लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर हमने ये धागा निकाल लिया है। ठीक है, अब इस पर हम डबका स्पायल इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर पहले बिल्कुल इसके किनारे किनारे स्टोन के हमें बिल्कुल सटाकर लगाना है इससे। ठीक है, इस तरह से, फिर थोड़ा आगे निकाल देंगे, इस तरह से। ये हमारी छोटी सुई है, हार्ड वाली। अगर आपके पास लचीली सुई हो तो वो ऊपर से इस तरह से डलकर नीचे की तरफ ऐसे निकल जाएगी, लंबी सुई। ठीक है, तो इस तरह से आपको नीचे से ऊपर नहीं लाना पड़ेगा बार बार। अभी इस तरह से, ये अभी गीला है इसलिए स्टोन उठ रहा है। ठीक है, ऐसे। अब ये जो हमें स्पायल है हमारा, इसे हमें अंदर की तरफ लाना है। ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ, ये जो गैप है यहाँ पर, हम इस तरह से इसे लेकर जाएंगे। तो इतना पहले हम यहाँ पर स्पायल को कट कर देंगे। ठीक है, कटर लेकर नापते हुए यहीं पर इतना इसको कट कर देंगे। अब हम इसे यहाँ से सीधे अंदर की तरफ गैपिंग में फिल कर देंगे इसको, गैप इससे। इस तरह से पूरे में निकालेंगे। ठीक है, और ये जो गैप है इस पर हम ये यहाँ पर सुई डाल देंगे, और इसे टाइटली खींच कर ये गैप को यहाँ पर इस तरह से ये हम फिल कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो जो हमने ये स्टोन लगाया है इस पर चारों तरफ हम डबका लग गया, और ये अंदर की तरफ एक कली जैसा बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, इसके पास से ग्रीन, जैसे ये ग्रीन ग्रीन हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे डबका, और अंदर की तरफ ऐसे ही, फिर यहाँ तक डबका कट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे ऐसे, और अंदर की तरफ ऐसे ही हम एक एक कली के रूप में ये डबका स्पायल लगा देंगे इस पर। ठीक है, अब ये हमने ये तीन यहाँ पर ये बना दिए। अब ऐसे ही हमें ये सारे पर इसी तरह से डबका स्पायल लगाना है। अब आप देखेंगे कि ये जैसे ये एक गैप है, यहाँ पर एक गैप दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मुकुट में बिल्कुल भी गैप नहीं दिखना चाहिए, नीचे का फैब्रिक बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ये गैप है तो यहाँ पर हम सुई लाएंगे। अब इसमें जगह जगह हमें गांठ नहीं लगानी होती, तो एक एक पोर्शन को कवर करते जाते हैं। ठीक है, तब जैसे ये वाला गैप है तो इसके लिए हम अलग से छोटा सा डबका स्पायल हमने कट कर लिया, इसको हम यहाँ पर ऐसे ही इसे फिल कर देंगे इस जगह को।
इससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं जिससे उठा हुआ ऐसे। अब देखेंगे पास से ये इस तरह से ऐसे उठा हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से उठा हुआ नज़र आए और ये गैप भी भर गया इससे। ठीक है, गैपिंग ऐसे ही फिल करते हैं। अब इन पर भी हम ऐसे ही जैसे लगाते जा रहे हैं ऐसे ही हम ये सारे पर पूरा कवर कर देंगे इसे। ठीक है, हमने ये देखिए ऊपर लगाए थे यहाँ पर सारे में, और इन पर हमने ये टपका स्पाइल लगा दिया है दोनों तरफ इधर भी, और जितने गैपिंग थे जैसे हमने यहाँ पर गैपिंग में डबका लगाया था ऐसे ही हमने सारे गैप भर दिए हैं डबके से यहाँ भी। ठीक है, ये हमने पूरे फिल कर दिए हैं। और इसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन था गोल राउंड पोर्शन, इस पर जैसे ये पत्ती वाले स्टोन है ऐसे ही प्लेन फ्लैट स्टोन ये हमने नीचे लगा दिए हैं। इस तरह के ये स्टोन हैं छोटे, नीचे से फ्लैट हैं ये, इन्हें हमने यहाँ पर डिज़ाइन के लिए ये जो हमने दोनों साइड डिज़ाइन निकाली हुई है इस पर तो हमने रेड कलर लगा दिया और मिड में हमने ये ग्रीन कलर लगा दिया है, और इस पर भी हम इस तरह से डबका स्पाइल से इसे हम वाइन कवर कर देंगे। इस पर डबका स्पाइल लगा देंगे, इस पर हमें ऐसे लगाना है कि हमने छोटे छोटे स्पाइल कट कर लिए हैं आपका। ठीक है, उसे पूरे को इसमें लेंगे सुई में, और ये जो गैप है यहाँ पर हमारी सुई हमने इस समय निकाल रखी है। ठीक है, धागा, अब ये जो गैप है इसमें हम इसको डाल देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए इस तरह से इसे खींचेंगे तो ये पूरा राउंड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये आने के बाद यहाँ पर जो इसका टर्न आ रहा है यहाँ पर, इस यहाँ पर सुई निकाल कर इसमें से हम स्पाइल में से सुई को निकाल देंगे, छोटा सा एक टाँका नीचे लगा देंगे। ठीक है, स्पाइल में डालने के बाद ऐसे डाल दिया और फिर नीचे निकाल दिया जिससे ये उठे नहीं। ठीक है, इस तरह से अभी फिट हो गया, अभी उठेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही हमें किनारे किनारे पर जितने भी हमने स्टोन लगाए हैं सब पर हम ये डबका स्पाइल इसी तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, और ये जो होल है जैसे हमने फिल किया है इधर हमने कर दिया है, इधर नहीं किया दिखाने के लिए, इसको भी इसी की तरह हम फिल कर लेंगे। ठीक है, और पीछे से आप देखेंगे तो इस तरह से ये बारीक यहाँ पर सिलाई आएगी, यहाँ पर एकदम सिंगल थ्रेड से हमने बनाया है तो ये इस तरह से बारीक सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, अब पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पर ये सारे पर डबका स्पाइल लगा ली है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया, और नीचे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक रेड मोती और एक पोत ये यहाँ पर नीचे इस तरह से लगा दी है। जैसे हमने ये यहाँ लगाया है ऐसे ही हम अभी यहाँ पर ऊपर की साइड हाफ पोर्शन में इधर साइड हम लगाएंगे पूरे पर। ठीक है, तो ये कैसे लगाएंगे, इसके लिए सबसे पहले अब जैसे हम नया धागा डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा धागा ख़त्म हो गया, अब हमें नया धागा डालना है, तो नया धागा डालने के लिए हम किनारे पर से सीधे ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट निकालते हैं तो हमारा धागा जब हम ये कपड़े पर से कट करेंगे मुकुट को तो कट हो जाएगा और सारे मोती निकल जाएंगे, इसलिए हम ये बीच में इस तरह से पहले यहाँ पर सुई डाल देंगे कहीं पर भी थोड़ी दूरी पर। ठीक है, अब इस तरह से नीचे टाँकों में से हम सुई को डालते हुए किनारे पर लाएंगे। ठीक है, अब जिससे हमारा ये धागा कटे नहीं। अब हम ये जो गैप हैं दो बूटों के गैप हैं ये रेड एंड ग्रीन, इनके बीच में एक एक मोती लगाएंगे। ठीक है, ये मोती एक खूबसूरती के लिए भी लगाते हैं और इसलिए भी लगाते हैं कि जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो आसानी से कटिंग भी हो जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक वाइट मोती डालेंगे पहले और फिर एक पोत डालेंगे, गोल्डन पोत डालेंगे। ठीक है, ये अभी इस तरह से डालने के बाद हम जो वाइट मोती है इसमें से वापस से सुई को निकाल देंगे। ठीक है, ये 1 mm का हमने मोती लिया है। अब जब इस तरह से हमने ये सुई निकाली तो आप देखेंगे तो पोत इस तरह से खड़ी हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड
होल पर, जो सेकंड कर्व यहाँ पर गैपिंग है, इस पर हम इस तरह से सुई को निकाल देंगे, ठीक है ऐसे। अब हम फिर से एक वाइट मोती डालेंगे और एक गोल्डन पोत डालेंगे, ठीक है। और फिर से हम वापस से वाइट मोती में से सुई को निकाल देंगे, इस तरह से ये मोती यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम ये पूरे पर मोती लगा लेते हैं, ऊपर पूरे पर मोती लगा लिए हैं, ये ऊपर से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर सिर्फ लटकन लटकाना रह गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोती के लटकन लगाएंगे इस तरह के। तो ये लटकन हम लगाने के लिए हमने यहाँ पर सुई निकाल रखी है। पहले हम यहाँ पर गिनकर, जैसे हमने जितने पोत लिए हैं, 8 लिए हैं, तो 8 पोत ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 पोत लेने के बाद एक हम वाइट मोती डाल देंगे। हमने ये दो तरह के लटकन लगाए हैं, दो वाइट मोती हैं और एक रेड मोती का है, ठीक है। तो 3 लटकन लगाए हैं, तो 2 हमें वाइट मोती के, एक रेड मोती का, साइज हमने सेम रखा है, ठीक है। तो अब जैसे जो वाइट मोती है, एक और गोल्डन पोत डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये डालने के बाद ये जो वाइट मोती है, इसमें से इसको निकाल देंगे, सुई को, ठीक है। इसे नीचे तक लेकर जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये टाइट हो गया। अब जितने भी ये पोते हैं, सब में से हम सुई को वापस से निकाल देंगे इस तरह से, वापस हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है, यूं इस तरह से। अभी हमारा एक लटकन बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम दोनों लटकन और लगा लेंगे इसमें, ठीक है। अभी इस तरह से हमने ये लटकन लटका दिए दोनों तरफ, यहाँ पर भी 3-3। अब इसको ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, मुकुट पूरा। अब इसे फ्रेम में से निकाल देंगे और अब हम इसकी बारीक कटिंग कर लेंगे, ठीक है, किसी पतली कैंची या बारीक कटर से कटिंग करेंगे। इस तरह से हम ये किनारे किनारे पर इस तरह से हम ये कटिंग करेंगे इसकी ऐसे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसे पूरी इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। मुकुट की हमने ये कटिंग कर ली है पूरी। इसे कट करने के बाद इस तरह से हार्ड पेपर पर रख देंगे और इसे इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे पूरी डिज़ाइन को, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे, सेम उसी लाइन को हम, उसी डिज़ाइन को हम कट कर लेंगे, ठीक है। कट करके ये इस तरह से आएगा। हम ऐसे दो पीसेस कट करेंगे, एक पीस पर हम पीछे ये अस्तर का कपड़ा लगा देंगे। हमने इसके लिए कंद का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये दो पीसेस कट करने के बाद अब हम इस पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको इस पर पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। फैब्रिक ग्लू पूरे पर लगाकर पहले एक पीस पर इसे लगा देंगे। इसे इस पर लगाने के बाद हमने इस पर चिपका दिया है। अब हम एक वेलक्रो चिप ले लेंगे, ये इस तरह से, ये एक तरफ से हार्ड होता है, एक तरफ से सॉफ्ट होता है, आपस में चिपक जाते हैं। तो हम एक पीस को तो इसको ऊपर की तरफ उठाकर रखेंगे इस पर, पहले इस तरह से किनारे पर इसे लगा देंगे, ठीक है। इसे नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, इसे पलटकर हमने रखा है, तो इसको हम अपनी तरफ सीधा रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद अब हम ग्लू लगाकर, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं इसके लिए,
इसको इस पर अच्छी तरह से लगाकर दूसरे पीस को भी जिस पर हमने फैब्रिक लगाया है उसको भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास चिप या वेलक्रो ना हो तो आप अगर एडजस्टेबल ही बनाना चाहें तो यहाँ पर इलास्टिक बैंड या फिर डोरी भी लगा सकते हैं। और अगर आप एक परफेक्ट साइज का बनाना चाहें तो पीछे इतने पर आप इसे राउंड में भी बना सकते हैं, जैसे हमने पहले एक मुकुट बनाया था। ये इस तरह से लगाने के बाद हम दूसरे पीस को इस पर इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अब इस पर कोई भारी चीज़ रख कर इसको सूखने देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये हमारे भगवान जी का मुकुट बनकर तैयार हो गया है। ये मुकुट हमने प्योर स्टोन और स्टोन जरकन चेन से बनाया है। इस तरह के जरदोजी मुकुट और भी होते हैं जिसमें रेशम का काम किया जाता है, वो मुकुट हम आगे की वीडियोस में बनाएंगे। और इस मुकुट के मैचिंग ईयररिंग्स, नेकलेस और कंगन करधनी भी हम जल्दी से जल्दी उनकी भी हम वीडियो बनाएंगे, जिससे हम सभी अपने कान्हा जी को इस जन्माष्टमी पर अपने हाथ से जड़ाऊ जरदोजी वर्क की ज्वेलरी बनाकर पहना सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसे, एक्सेसरीज, फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल के एस टी राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।